पर सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। ये बिल्कुल केजरीवाल 100% आएंगे, आदमी केजरीवाल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप अगले 5 साल के अंदर में आप गाड़ी लेके आओगे, आराम से अंदर जाओगे। कि दिल्ली में तो गरीब जनता के लिए केजरीवाल हैं, वो ही आएंगे। क्या हम भी अपने बीड़ी तम्बाकू को भी परेशान होते थे, उन्होंने हमारी पेंसिल बढ़ा दी। बीजेपी है पैसे वाली पार्टी, लेकिन आएगा केजरीवाल यहाँ। अच्छा, हमारे लिए देखे पाप पार्टी है, यानी अरविंद केजरीवाल के जो लोग आप कहते हैं हम इसको पाप कहते हैं। मेरे हिसाब से केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। दिल्ली 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 70 सीट, सैकड़ों से ज्यादा उम्मीदवार, क्या दिल्ली में खिलेगा कमल या झाड़ू कर देगी सबको साफ, या दोनों को लेना होगा हाथ का साथ। किस ओर है दिल्ली की हवा का रुख, अब की बार किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, किसका होगा दिल्ली में बेड़ा पार। देखिए 70 सीटों से डेली डायरी की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट प्रखर वाशने के साथ। इस वक्त हम आए हुए हैं देवली विधानसभा में, यहाँ के विधायक जो है प्रकाश जारवाल जी हैं। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये एक MCD पार्क है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो चुनावी हवा है किसकी ओर जा रही है। तो सबसे पहले क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ ही जा रही भाई हमारी तरफ से तो। अच्छा, क्योंकि उसने काम अच्छे करे हैं, अच्छे काम करते आ रहा है वो, नाली मोरी गटर खरंजा कितने उसने देखो, पानी की सुविधा। अगर आप इस विधानसभा की बात करें तो मैं पिछले 3 सालों से रोड खुदा पड़ा है, तो धीरे धीरे काम चल तो रहा, लेकिन ये भी हो जाना चाहिए। तो 5 साल तो हो गए, और कितना टाइम? 5 साल हो गए, 5 साल के लिए और आ जाएगा ये, तो भी इसमें ये पूर्ति कर देगा इसकी। मोदी जी की हवा हुआ है, मोदी जी की तो हवा इधर से बहुत मुश्किल। प्रधानमंत्री तो खैर वो रहेगा ही, पर सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। ये जब से अभी तक कोई इतने मुख्यमंत्री बदले, किसी ने महिलाओं के लिए इतनी सुविधा करी, बस में टिकट फ्री किया, सिर्फ किस दिन होता था, 2 दिन भैया दोज के दिन और एक रक्षाबंधन के दिन। आपके विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने क्या क्या विकास करवाया है? आम आदमी पार्टी ने तो बहुत कुछ काम करा है और करता ही आ रहा है। तो आपके आपके एरिया का विकास बताइए मुझे। हमारे विकास में देखो तो अच्छा ही करा है जिसने, और क्या करेगा? नहीं, नाली बनवा दिए, खरंजे शिविर बनवा दिए, है नी, लगवा दिए। हाँ, और फिर पार्कों में भी झूला पूला ये सारा सब कुछ, सीवर लैंड डाल दिए, आगे तक पहुँच गया। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे आदमी हैं, और सीवर का है, पानी का है, और ये जो रोड बन रहा है इसमें देखो टाइम तो लगता ही है। उसके लिए अंडरग्राउंड है ना, जो कि उन्होंने सीवर डाली है 12 करोड़ के करीब करीब, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे आदमी है। प्रकाश जारवाल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ किया सीनियर सिटीजन के लिए, बहुत कुछ उन्होंने। घूमा करीब यहाँ से, अगर देखा जाए तो 3 किलोमीटर जो सड़कों की हालत है बिल्कुल सरस तो रखी है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, आपने देखा भी है, रोड भी खराब है, लेकिन उसमें काम चल रहा है, बराबर काम चल रहा है, और काम चलते ही यही रोड बहुत बढ़िया लगेगा, सारे ट्रैफिक वाले को अच्छा लगेगा। टाइम तो लगता ही है, बिल्कुल केजरीवाल 100% आएंगे। अच्छा, मोदी के क्या, मोदी जी बिल्कुल सेंटर में, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बाकी दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री। 2.5 साल से मेरे तो पैरों का जो है वो सूख गया, जूते 10 रुपये डेली पॉलिश में लगे हैं, 4 बूंद पड़ गए तो 10 से 25 बन गए थ्रिलर वाले। ठीक, ये तो है, हाँ, आदमी केजरीवाल ठीक, इसमें कोई शक नहीं, काम भी करवा रहा, विकास नहीं हो रहा था, विकास तो होगा, मतलब जो है वही बात है सबकी, धीरे धीरे होगा वो, धीरे धीरे कौन से दिन होगा। लगा सकते हैं कि अगर अगली बार केजरीवाल आता है तो शायद काम आएगा, तो केजरीवाल ही शायद काम हो, आएगा तो केजरीवाल, काम तो अब रोकने वाला नहीं कोई, केजरीवाल के अलावा और भी कोई सरकार है, काम नहीं रुकने का। अब जा काम तो यहाँ के लोकल जो विधायक है वे करवाते हैं। वैसा कुछ बताइए, आपका विधानसभा मैंने घूमा है, करीब 3 से 4 किलोमीटर घूम के निकला हूँ, तो स्थिति है बड़ी दयनीय हालत है यहाँ की। पहले बहुत दयनीय था, अब दयनीय नहीं है। मैंने देखा काम चल रहा है, मेरी गाड़ी में गाड़ी अंदर नहीं गई, मैं गाड़ी बाहर लगा गया। भाई साहब काम तो चालू है, लेकिन अब अगले 5 साल के अंदर में आप गाड़ी लेके आओगे, आराम से अंदर जाओगे। ठीक, केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, पानी यहाँ पे फिर भी पानी मिलता है, बिजली बिल फिर भी है, अब क्या चाहिए? महिलाओं के लिए गाड़ी मतलब बस जाने के लिए सेवा फिर भी है, अब क्या चाहिए? केंद्र 370 की बात करें, 35 की बात करें, ठीक है, राम मंदिर की बात करें, इसके बावजूद भी मतलब मोदी का दिल्ली में कोई वो
हवा नहीं दिख रही है। देखिए सर, क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए सर, मोदी जी केवल राष्ट्र हित में गाने में काम करते हैं, बाकी दिल्ली में तो गरीब जनता के लिए केजरीवाल हैं ही, वही आएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये इतनी सुविधा मतलब गरीब आदमियों को दे रखी है कि आज तक भी किसी भी कोई भी पार्टी है उन्होंने नहीं दी। सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, बेहतरीन हो रहे हैं, गरीब जनता बहुत खुश है। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ कामों से आप ना खुश हैं, तो ऐसे क्या कुछ काम है जो मतलब आपको लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए दिल्ली में? देखिए साहब, गरीबों के रोजी रोजगार खत्म हो गए, दूसरी बात यह है कि काम धंधे सब सारे खत्म हो गए, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं, ना काम है ना कुछ है, बहुत परेशान है गरीब आदमी बीजेपी के राज में। अच्छा, तो क्या बदलाव हुआ है आपके इस विधानसभा में? नहीं साहब, हमारे लिए तो बदलाव ऐसा हुआ है क्या, हम भी अपने बीड़ी तम्बाकू को भी परेशान होते थे, उन्होंने हमारी पेंसिल बढ़ा दी, समझे, हमको पानी की सुविधा हो गई, लाइट की हमको बहुत अच्छी सुविधा हो गई, समझे, हैं तो हम किराएदार आदमी, लेकिन भैया हम जो है मकान मालिकों को देते थे उससे तो छुटकारा मिल गया हमको, समझे साहब, तो हम तो उन लोग उनसे बहुत सुखी हैं। ये फ्री का जो जुमले वाली बात कर रहे तो कब तक रहने वाला है ये? लगता है कि 5 साल तक रहेगा? अगर फिर केजरीवाल जी का राज आएगा फिर 5 साल तो बड़ा रहेगा। अच्छा, बीजेपी है पैसे वाली पार्टी, लेकिन आएगा केजरीवाल यहाँ। अच्छा, क्योंकि वो काम कर रहा है, काम कर रहे हैं। जब मोदी सरकार बोल रही है कि हमने दिल्ली के लिए ये करा है वो करा है, अंतर्राष्ट्रीय वाली बात करते हैं, करा क्या है? अखबारों में दिया है करा है, करा क्या है? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। इतने इतने बड़े वो बोलते हैं कि 370 हट गई है, ये हट गया है, और कुछ बदलाव आएगा तो ये हो रहे थे कि आपको पता है, अब ये जो क्या नागरिकता में कितने पंगे हो रहे हैं, पंगे ही करवा रहा है, इससे अलावा क्या करवा रहा है? जाने जा रही है, महाभारत हो रही थी, और क्या हमें नहीं दिखा रहा मोदी ने क्या करा है? बनवा दे, जीरो करवा दो, जीरो में पैसा भेज रहे, कुछ नहीं भेजे, और ऐसे करो तब जीते है तो नोट बंद करा दे, रात ही रात बंद करा दे, मोदी ने जी करे और क्या करो, लैन में लगे रहे, मर रहे जी रहे, पैसे मिल नहीं रहे, बहन जी बहू बबेरे कितनी परेशान, ब्याह शादी परेशान भाएंगे, सोच लो कर ब्याह होते मुश्किल पड़ गई, मजदूर आदमी 500 नोट पकड़ा दियो, अब खांसी लिया ऑटो कोई नहीं दे दिया, अगले जान छाने कराए तो कौन देवदार है, एक दिन भूखा सोए बच्चे उसके। जो इन्होंने लाइन लोड के लिए फ्री किया ना, रेंटर के लिए नहीं, किराएदारों के लिए भी किया नहीं, लाइन लोड जो होते हैं वो जैसे इस टाइम पावर वाले अत्याचार कर रहे हैं, इसी तरह से लाइन लोड भी रेंटर पे अत्याचार करता है, वो उसके लिए फ्री नहीं करता। इस प्रेजेंट टाइम में जो है रेगुलर घरेलू टाइप 8 रुपये ले रहा है, वो 8 रुपये पर यूनिट वसूल रहा, इन्होंने फ्री किया लेकिन वो फ्री का बेनिफिट उसको मिल रहा। सारी बातों को हटा करके अगर आपकी राय पूछते हैं कि हमारी राय, हमारे लिए देखिए पाप पार्टी है, यानी अरविंद केजरीवाल के जो लोग आप कहते हैं हम इसको पाप कहते हैं, हमारे लिए बिल्कुल बेकार। दूसरी बात रही बीजेपी, वो साफ दिख रही कि अत्याचार इतना कर रही कि हमारे यूथ जो लड़के हैं जो कल का भविष्य है, जो पढ़ाई वाले हैं, जो जेएनयू एक ही यूनिवर्सिटी नहीं तमाम यूनिवर्सिटी सब पे लाठियां बरसा रही, प्रेसिडेंट पे, हाँ प्रेसिडेंट पे लाठियां बरसा रही, और उन्हीं को बंद कर रहे हैं, उन्हीं पे केस बना रहे हैं, इसलिए हमारे लिए सब बेकार है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन पीपल पर्सन जो है, यानी जिसका अंग रेस में होना चाहिए, आपके अनुसार हमारे अनुसार ये होना चाहिए कि हर भारतीय के नागरिक का अधिकार है कि वो तरक्की के रास्ते बढ़े, इस हिसाब से कांग्रेस होना चाहिए, लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, हमें वो चाहिए जो लोगों को तरक्की के रास्ते में ले जा सके, उनका दुख कष्ट दूर कर सके, ऐसे इतने सोचे। हाँ, कोई भी हो, मतलब A to Z कोई भी हो, लेकिन जो हमें दिख रहा है A to Z में ये दौर जो आए हुए हैं ये बिल्कुल हमारे लिए निरंकुश जैसे हैं, हम तो चाहते हैं इन पे अंकुश इतना लग जाए कि कभी वापसी ना हो इन पे। यहाँ का जो डेवलपमेंट देख करके चुनाव काफी करीब है, क्या लग रहा है कि फिर से यहाँ का जो विधायक है दोबारा से चुना जाएगा या फिर बदलने की? विधायक कह रहे हैं कि हम बदल दूंगा, बस आस लगाए रखते हैं कि आप बदल देंगे तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब कितनी मुश्किल होती है आपको यहाँ से निकलने में? मुश्किल से होती है, अब गाड़ी में पैदल भी जाने में परेशानी होती है, गाड़ी वाले तो रुक जाते हैं, मुझे स्कूल जाते समय बड़ी दिक्कत होती है, कई बार यहाँ फंसा हूँ मैं, एक आधा आधा घंटा है खड़ा बस यहाँ से जाने में, क्योंकि यहाँ की जगह नहीं है, पानी भरा हुआ है, और तो बाकी यहाँ से आगे आने में बस दिक्कत है, क्योंकि मैं तो मेन रोड है, यही मेन दिक्कत है, और बाकी अंदर बना के फायदा के अंदर जब यहीं से जाना है आपको सब कुछ यहीं से करना है। जाहिर है यहाँ के विधायक को ये सारी चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग में, कम से कम 1 घंटा तो यही खा जाता है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज है 18 ईयर्स है। 18, तो आप वोट नहीं देते, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेते हैं कि दिल्ली में कौन ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर बीजेपी? मेरे हिसाब से केजरीवाल दिल्ली के लिए बेस्ट है। ठीक है, इस हालत के बावजूद भी केजरीवाल? हाँ जी। ऐसी क्या वजह है?
मेरे लिए इससे बदतर क्या स्थिति हो सकती है? नहीं, इससे बदतर है। केजरीवाल से पहले भी इसकी हालत ऐसी थी, केजरीवाल के बाद भी इसकी हालत ऐसी ही है। बट बहुत सारी जगहों पे केजरीवाल की वजह से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुआ है, तो मेरे लिए केजरीवाल, मैं ये बर्दाश्त कर सकती हूँ केजरीवाल की सरकार होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो कह रहे कुछ नहीं करा केजरीवाल ने, सब बेकार कर दिया। वो तो सब, वो उनका अधिकार है, सारे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के लिए ऐसे बोलते हैं।